हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इस चैप्टर में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि थोड़ा सा अलग नंबर सिस्टम होगा। क्या जरूरत पड़ी हमें अलग नंबर सिस्टम की वो भी समझेंगे। रियल नंबर इतना बड़ा था, मतलब रियल नंबर में रैशनल नंबर इरैशनल नंबर दोनों को मिलाया, रियल नंबर अपने आप में इनफाइनाइट था, फिर भी ऐसी क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि कोई एक ऐसा नंबर बताओ जिसको स्क्वायर करने पर, जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आया, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आदमी या तो सुबह सुबह चढ़ा के आया है या इसकी रात की उतरी नहीं है। ठीक है, देख देखो है क्या ये चीज। मान लो मैं आपको बोलूं कि -3 को -3 से मल्टीप्लाई करो, दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा आपको? एक पॉजिटिव नंबर 9, पॉजिटिव नंबर। दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? 9। ठीक है ना, अगर आप नेगेटिव नंबर को भी उससे मल्टीप्लाई करते हो या पॉजिटिव नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो सेम नंबर को, तो आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। बोला ही जाता है परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू होता है 0। ठीक है, फिर आपने क्लास 10 में पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वहां भी ये जो डी डिस्क्रिमिनेंट आया b² - 4ac, आपके इस फॉर्मूला में x = -b + √b² - 4ac बाई 2a, इसमें जब ये वैल्यू आया b² - 4ac, तो हमने बोला कि भाई d जो है वो या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेस देन 0 होगा तो हम इसे नहीं मानेंगे, मतलब ये रियल रूट नहीं देगा। बात तो सही है कि नेगेटिव होगा तो रियल रूट नहीं होगा, ठीक है ना, रियल रूट तो इसका होगा नहीं। तो अब कोई ऐसा नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर था नहीं, भले हमारे पास इनफाइनाइट नंबर थे पर उसके बाद भी नंबर ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे हम ये बोल पाए कि ये इसको, मतलब कोई एक ऐसा नंबर हो जो इसको सॉल्व कर पाए, कोई एक ऐसा नंबर हो जो x² + 1 = 0 का सॉल्यूशन दे पाए। तो देखो जो किसी नेशन में नहीं होता ना वो इमेजिनेशन में होता है, और इसे सोचा बहुत लोगों ने था, पहले इस टर्म को बहुत लोगों ने कॉइन किया था। इंडियन मैथमेटिशियन में भास्कराचार्य ने, डेस्कार्टे ने 16 सेंचुरी में भी नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट के बारे में बात किया था, बट फर्स्ट टाइम जिसने इसको डॉक्यूमेंट किया, जिसके द्वारा बताया गया, जिसने उस टर्म को बोला वो थे ऑयलर। ऑयलर ने 17 सेंचुरी के करीब ये बताया था कि आई जो है ना 17 सेंचुरी के आसपास, ठीक है, कि आई जो है एक नंबर होगा, मतलब उन्होंने क्या किया इस स्क्वायर रूट को, मतलब x² = -1, ठीक है ना, x² + 1 = 0, तो x² = -1, इसको रियल नंबर तो कोई है नहीं जिससे सॉल्व किया जा सके, तो उन्होंने क्या किया इमेजिनरी नंबर दिया एक, इसको नाम दिया आयोटा, और बोला कि चलो भाई इसी को रखते हम √-1। तो √-1 यहां से आ गया आई, यहां से उन्होंने एक नया नंबर सिस्टम बना दिया जो कि हो गया √-1i, और यहां से आगे हम पढ़ेंगे नेगेटिव नंबर्स का भी स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे कहीं पे अब लिखा हुआ रहेगा कि √-9 - 9, तो हम उसे क्या लिखेंगे √-9 तो 3 हो गया, ठीक है, और -1 यानी 3i। आई बात समझ? तो अब इमेजिनरी नंबर आ चुका, आयोटा से इसको बोलते हैं और आई से डिनोट करते हैं। तो अगर आई जो है मेरा वो √-i² क्या हो जाएगा -1, आई जो है वो -1 का स्क्वायर रूट, तो i² हो गया -1। i³ निकालते तो क्या होता i² * i, i² तो भाई -1 है, तो यहां पर क्या हो गया -1 * i, यानी मैं बोल दूं कि i तो ठीक है √-1 है, i² जो है -1 है, i³ जो है वो -i है, और i^4 वो जो है वो 1 है, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो देखो √-1 वो मिल गया i, फिर i² i³ और i^4, जैसे ही अब ये 1 आया इसके बाद वाला नंबर फिर ऐसे ही रिपीट करेगा। तो एक साइक्लिक चीज हमें मिल गई कि अब अगर हमें कोई बोले कि i^27 निकालना है तो हम क्या सोचेंगे, भाई चलो i^4 तो 1 होता है ना, तो इसको i^4 में डिवाइड करके सोचता है, तो i^4 × 6 i^24 हो गया, और यहां पर i^3, ठीक। तो अब ये क्या हो गया i^4 है तो इसका वैल्यू 1 लिख देते हैं, 1 टू द पावर 6, और ये i³ क्या हो जाएगा
माइनस आई, ठीक है, तो ये हो गया अपना माइनस आई। अब ध्यान ये दो, यहां पर ये आई है, आई स्क्वायर अपना माइनस वन है, आई क्यूब अपना माइनस आई है, और आई टू दी पावर फोर तो वन है। इसका मतलब क्या है कि यहां से इन चारों को अगर ऐड किया जाए तो ये वैल्यू जीरो हो जाए, और इन्हीं चारों को ने कंटिन्यूअस कोई भी फोर पावर्स होगा आई में, तो हम उसको क्या लिखेंगे, ऐड करके आई टू एम एम प्लस वन, ठीक है, ये सब इंटीजर है, एम एम प्लस वन एम प्लस टू, ये क्या हो जाएगा जीरो। कोई भी कंटिन्यूअस फोर पावर आज के बाद आपको दिखेगा तो आप क्या आंसर क्या लिखोगे, जीरो, ठीक है ना। ये देखो बोर्ड लेवल से जाते जाते धीरे धीरे एनडी और डब्ल्यूबीजेई लेवल तक टच करेंगे हम लोग, ठीक है, और कुछ पार्ट्स में बनेगा ये वीडियो, डायरेक्ट पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इसमें वन शॉट नहीं है ये, ठीक है ना, क्योंकि हम पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो वन शॉट में बनाना उसकी ना, और वन शॉट में बनाते तो बस रिविजन हो पाता पूरा कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है। तो ये वो बच्चे भी देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर एक बार भी छुआ ही नहीं है, ठीक है ना। तो चलो यहां आते हैं, अब देखते क्या है कि ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन से स्टार्ट करता है, तो आई टू दी पावर 203 है। अभी क्या बात हुआ कि अगर यहां पे पावर 4 से लिख सकते हो ना, ठीक है, इनटू आई टू दी पावर 3 हो गया, ये आई टू दी पावर 203, 4 से डिवाइड कर दो और बाकी बचा हुआ पार्ट अलग लिखो। यहां भी क्योंकि ये पावर 4 जब भी मतलब आई में कोई भी पावर हो इन्हीं चारों में से वैल्यू आए। अब देखो आई टू दी पावर 4 टू दी पावर 51, I to the power यहाँ पे क्या है 105 है ना, तो 4 to the power 26 into I, और I to the power 232, तो ये तो सीधा 4 से divisible लग रहा है, ठीक है, 58, तो यहाँ पर ये देखो I cube रह गया जो कि minus 1 है, ये value तो अपना 1 ही है, ये तो सीधा 1, यहाँ पर 1 और into I, और यहाँ भी 1, अब यानी ये हो गया minus 1, ठीक है, सॉरी ये माइनस वन नहीं, यहाँ पे आई क्यूब है ना, तो माइनस आई होगा, ये आई क्यूब हो गया माइनस आई, तो ये हो गया माइनस आई, यहां पर वन, यहां आई, और यहां भी वन, तो देखो ये दोनों कैंसिल और आंसर हो गया टू। तो बहुत बार ऐसा होगा इमेजिनरी नंबर्स होगा और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो रियल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप ध्यान से दो ना, ये माइनस वन और वन ये दोनों तो रियल नंबर है ही, ये दो इमेजिनरी है, ये दोनों नंबर इमेजिनरी, ठीक है। इसके बाद देखो जैसे इसको सिंपलीफाई करना है, तो सिंपलीफाई करने में जब स्क्वायर रूट में नेगेटिव, अभी तक तो हालत खराब हो जाता है, अगर क्लास 10 में ये दिया जाता है तो आप बोलते क्वेश्चन गलत है, लेकिन यहां ये सॉल्वेबल है, सिंपलीफाई कर सकते हैं इसको, कैसे करेंगे, तो लिखते हैं 2 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 3, इसको यहां पे 50 है ना, माइनस 1 यहां पर 2 इंटू 5 इंटू 5, और यहां पे माइनस 6 8 है, माइनस 8 है, तो माइनस 1 2 इंटू 2 इंटू 2, तो देखो यहां पर हम लिखते हैं ये तो 2 है, ये पेयर से 3 बाहर, एक 2 तो अंदर रह गया, और भाई ये माइनस 1 रूट में माइनस 1 यानी क्या, रूट में माइनस 1 यानी कि आई, रूट में माइनस 1 यानी आई, तो आई लिख देता हूं मैं, यहां पर भी एक 5 बाहर जाएगा, तो यहां पे 15 रूट 2 और बाहर भी क्या है आई, यहां से 2 बाहर आ जाएगा तो माइनस में 12, माइनस में क्या गया 12, 2 बाहर तो माइनस में 12, ठीक है, रूट 2 और बाहर क्या ये है आई, ठीक है, तो यहां क्या आ गया बाहर में आई, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन क्या हो गया आई, तो अब यहां पे क्या लिख देंगे हम, ये 6 रूट 2 आई प्लस 15 रूट 2 आई माइनस 12 रूट 2 आई, ठीक है, तो अब ये हो गया 6 एंड 15 कितना 21 रूट 2 आई माइनस 12 रूट 2 आई, यानी हो गया ये 9 रूट 2 आई, हो गया ये सॉल्यूशन। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, देखो ऐसा क्वेश्चन में ना अगर आप ध्यान से ना देखो और आई टू दी पावर में जितना वैल्यूज है उसको सॉल्व करने अगर जाते हो तो बहुत टाइम चला जाएगा, तो ध्यान से देखो यहां अगर 92 है ना तो ये 82 है, यहां 90 है तो यहां 80 है, यहां 86 तो 76, 84 तो 74, मतलब आई टू दी पावर 10 अगर हम कॉमन रख दें, ऊपर आई टू दी पावर 10 अगर हम कॉमन रख लेते हैं
तो यहाँ i टू दी पावर 582 हो जाएगा, यहाँ i टू दी पावर 580 हो जाएगा, यहाँ i टू दी पावर 576 हो जाएगा, यहाँ i टू दी पावर 574 हो जाएगा, ठीक है। और सेम यहां रह गया i टू दी पावर 582, i टू दी पावर 580, i टू दी पावर 576 एंड i टू दी पावर 574। अब इसको पूरा हम कैंसल आउट कर देते हैं। पूरा कैंसल आउट करने के बाद ये i टू दी पावर 10 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, i टू दी पावर 4 टू दी पावर 2, यानी हो गया ये i टू दी पावर 8 और यहां हो गया ये i टू दी पावर 2। तो ये तो भैया 1 और i स्क्वायर हो गया -1, तो सीधा -1 हो गया आंसर। अदरवाइज आप इसको ऐसे सॉल्व करते रह जाते कि इन सब को अलग अलग सॉल्व करो, टाइम ज्यादा लग जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ भी लेना, ठीक है। अब देखो आगे आपका आई तो समझ में आ गया, लेकिन ये हम कर क्यों रहे थे, तो अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, कि कोई भी रियल नंबर तो अपना था पहले से, और अब आ गया इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को मिला देते हैं अगर एक साथ, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो होता है ना, अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रियल है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इमेजिनरी है, जो बस आप अपने दिमाग में सोचते हो जैसा है नहीं, ठीक है। और इन दोनों को ही मिला दो तो वो लाइफ है जो कि कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। तो रियल ए और रियल बी के साथ हम एक ऐसा आई डाल दें, तो ए प्लस आई बी कोई भी नंबर इस फॉर्म में हो तो इसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां की ए भी रियल है, बी भी रियल है, बट आपका आई जो है वो इमेजिनरी है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वन है ये। तो अब देखो रियल और इमेजिनरी मिला के बन गया कौन सा नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि a प्लस आई बी फॉर्म में डाला जा सके, तो इसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि 3 प्लस 2i, ठीक है। जब आपका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाता है, जब आपका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाता है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं हम प्योरली रियल, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं प्योरली रियल जिसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा जीरो, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी जिसका रियल पार्ट हो जाएगा जीरो। जैसे होता है ना, कुछ लोगों का रियल लाइफ में कुछ भी नहीं है, बस ख्वाबी पुलाव बनाते रहते हैं, तो उनके लिए क्या है, उनका रियल पार्ट जीरो है, ठीक है। रियल पार्ट उनका क्या है फिर, जीरो है, तब वो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। जब ए जीरो तो प्योरली इमेजिनरी, जब बी जीरो तो प्योरली रियल, और इन्हीं के बीच में क्या है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक सब पार्ट हो गया ना रियल नंबर, तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ही सबसेट है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आ गया रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब इस चीज को हमेशा याद रखना, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में ये काम आने वाला है, a प्लस आई बी आपको इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना होगा, चाहे आप मॉड्यूलस निकाल रहे हो, आर्गुमेंट निकाल रहे हो, या फिर आप उसका कॉन्जुगेट निकाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको a प्लस आई बी फॉर्म में ले जाना है। तो a प्लस आई बी फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म, यहां ले जाना रहेगा। तो देखो ये क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, ठीक है। इसको आपको a प्लस आई बी फॉर्म में डालना है। बचपन में क्लास 9 में पढ़ा है ना रैशनलाइजेशन, ठीक वैसा ही काम यहां भी करेंगे, ठीक है। क्लास 9 10 में अगर आपसे कोई बोल देता कि a प्लस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फैक्टराइज करो, तो तुम बोलते कि क्वेश्चन गलत है, बीच में होना चाहिए था माइनस। भैया गलत से बीच में डाल लो प्लस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो हम बता देते कि इसका फैक्टराइजेशन होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन ये तो गलत क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है। बात सही है, नहीं किया जा सकता है रियल लाइफ में, नहीं किया जा सकता है रियल नंबर को लेके, लेकिन इमेजिनरी नंबर में पॉसिबल है, क्योंकि इमेजिनेशन में तो कुछ भी पॉसिबल, ठीक है। तो देखो कैसे बनाते इसको, ए स्क्वायर यहां माइनस चाहिए था तो माइनस डाल दिया, यहां क्या करते
बी स्क्वायर को लिखते आई बी इसका स्क्वायर, आई का स्क्वायर हो गया माइनस वन और इस माइनस को वो बना देगा, इस वाले माइनस को उत्तर देगा प्लस, यानी ये ऑलरेडी यही चीज है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर। और ये होते ही फिर तो क्लास 9 में आपने पढ़ा ही हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो यहां भी वही होगा ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी हो गया ना फैक्टराइज, ठीक है। अब थोड़ा देर बाद आप पढ़ लोगे कि अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये उसका कॉन्जुगेट होता है, पहला वाला अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होता है, दूसरा अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पहला उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। वो थोड़ी देर बाद पढ़ोगे, अभी करना वही है स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है, डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ए माइनस आई बी है तो ए प्लस आई बी से मल्टीप्लाई, ए प्लस आई बी है तो ए माइनस आई बी से मल्टीप्लाई। अब भाई नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हो, डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई करते हो तो मामा घर तो है नहीं कि बस नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, अगर किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी करना होगा, तो चलो वो भी कर देते हैं। 5 प्लस 4i सेम है, x by x किया तो 1 है, 1 से कोई नंबर हम मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, तो अब देखो इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो 2 प्लस 3i है इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 5 10 हो गया, ठीक है। 3 इंटू 5 कितना हो गया ये 15i, ठीक है ना, और 4 इंटू 2 कितना हो गया 8i और 3i इंटू 4i मतलब 12i स्क्वायर, और यहां देखो क्या हो रहा है 5 स्क्वायर माइनस 4i स्क्वायर, इसका मतलब 10 तो यहां है ये बना देगा i स्क्वायर माइनस 1 यानी माइनस 12 तो यहां माइनस 2 और यहां पर बन गया ये 23i, यहां 5 स्क्वायर हो गया 25 और ये हो गया मेरा प्लस में 16 क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1 यानी ये हो गया 41, तो हम इसको लिख ही सकते हैं माइनस 2 बाई 41 प्लस 23 बाई 41 आई, ठीक है। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, इस फॉर्म में तो ले आओगे ना, इसके बाद क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे बहुत सारा काम होगा, जैसे अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन और जेड टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो है ए वन प्लस आई बी वन और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ए टू प्लस आई बी टू, तो भाई रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करो, सिंपल है एडिशन, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करो, सबट्रैक्ट भी करना होता ना माइनस होता तो भी यहां माइनस हो जाता, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, ठीक है ना, सबट्रैक्ट होता तो सीधा बस वहां माइनस डाल देते, मल्टीप्लाई सिंपल आपको करना है जैसा आप अलजेब्रा में करते थे, बस आई स्क्वायर के जगह पे माइनस वन बैठा देना, अदरवाइज उसको एक्स जैसा ही ट्रीट कर दो, इन वेरिएबल जैसे ट्रीट करो, बस उसके आई स्क्वायर का वैल्यू वन डाल दो, माइनस वन डाल दो, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, देखो 1 प्लस आई और 1 माइनस आई है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है। अब दो चीज ना हमेशा याद रख लेना कि 1 प्लस आई का स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस आई का जो स्क्वायर है वो होता है 2i और 1 माइनस आई का जो स्क्वायर है वो होता है माइनस 2i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करते टाइम हमेशा दिमाग में रखो, ये 1 प्लस आई का स्क्वायर हो जाएगा 2i और 1 माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2i, देख लेते हैं चलो कैसे होता है, ठीक है, रटना थोड़ी है, समझ लो कैसे होता है। तो भाई ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता है सबको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 1 इंटू आई। अब भाई ये आई स्क्वायर तो माइनस 1 होगा ना और ये प्लस 1 है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाले में जस्ट माइनस है इसलिए 2i के जगह पे माइनस 2i हो जाएगा। अब चलो इस काम को करते हैं हम लोग, तो 1 प्लस आई है ना, तो 1 प्लस आई और डिनोमिनेटर में क्या है, इसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस आई, तो यहां हम 1 प्लस आई मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां भी 1 प्लस आई मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई
वन प्लस आई का स्क्वायर और ये हो गया अच्छा बाहर यहां पे क्यूब वन स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। अब देखो यहां पर वन तो डाल दिया आई स्क्वायर और प्लस टू आई अभी जो दिखाया था वन प्लस आई का स्क्वायर और यहां पर वन तो रह गया आई स्क्वायर माइनस वन तो ये प्लस वन हो गया और यहां पर है थ्री पावर में। अब ये तो भाई मेरे क्या हो गया जीरो टू आई डिवाइडेड बाई टू क्यूब हुआ तो ये टू और टू कैंसिल आई क्यूब और आई क्यूब को लिख सकते हैं हम माइनस आई क्योंकि आई स्क्वायर होता है माइनस वन तो इसको लिख दिया माइनस आई। ठीक है अब ये अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे ये एडिशन सब्सट्रैक्शन इक्वल कैसे किया जाता है मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है अब वो समझेंगे अच्छे से। ठीक है तो देखो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा भी हम बात कर रहे थे एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि अगर z1 is equal to z2 है मतलब z1 अभी लिख देता हूं मैं a plus ib और z2 लिख देता हूं मैं a minus ib तो ऐसा चीज में क्या होगा कि z1 is equal to अगर z2 दिया अच्छा प्लस नहीं रखते हैं दोनों को 1 2 कर देते हैं तो अगर ऐसे इक्वल टू दिया हुआ है z1 plus z2 तो हम क्या लिखेंगे a1 plus ib1 is equal to a2 plus ib2 और क्या करेंगे फिर हम a1 equal to a2 लिखेंगे और b1 equal to b2 मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकता है जब उसका क्या है इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है और रियल पार्ट के इक्वल है तभी हम लिख सकते हैं। दोनों को ऐड करना है सिंपल अभी देखा था a1 plus ib1 plus a2 plus ib2 तो हो गया ये a1 plus a2 ठीक है ib1 plus b2 ठीक है ना सबट्रैक्ट करना है तो a1 plus ib1 minus a2 plus ib2 तो a1 minus a2 plus ib1 minus b2 ठीक है ना। अब चलो देखते हैं प्रोडक्ट कैसे करते थे हम लोग जेड वन जेड टू करना है ए वन प्लस आई बी वन ए टू प्लस आई बी टू तो क्या ए वन ए टू हो जाएगा प्लस आई बी वन ए टू प्लस आई ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ ए वन बी टू प्लस आई स्क्वायर बी वन बी टू आई स्क्वायर तो माइनस वन तो इधर लिख सकते हैं ए वन ए टू माइनस बी वन बी टू प्लस आई और यहां रखते हैं बी वन ए टू प्लस ए वन बी टू क्लियर। जेड वन बाई जेड टू भी कर सकते हो जेड वन बाई जेड टू करोगे ए प्लस आई बी वन ए वन प्लस आई बी वन ए टू प्लस आई बी टू और इसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ले जाना है तो फिर यही कर देना a2 minus ib2 और a2 minus ib2 ठीक है ना तो इतना तक तो देखो हो गया। इसको आगे सॉल्व करोगे तो ऊपर तो अपना आराम से मल्टीप्लीकेशन कर लोगे और नीचे तो ये a2 का स्क्वायर समझ में आई गया ये a2 का स्क्वायर और b2 का स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर वाला पार्ट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब a1 a2 और ये देखो i i स्क्वायर होगा b1 b2 भी है माइनस होता बट माइनस ये और i स्क्वायर भी एक माइनस मतलब ये प्लस b1 b2 देगा। अब कॉम्प्लेक्स वाला लिख लेते हैं मतलब इमेजिनरी वाला लिख लेते हैं कि i यहां से a1 b2 अच्छा ये प्लस वाला पहले a2 b1 पहले माइनस a1 b2 ठीक है ऐसे आप सॉल्व कर लोगे इसको अलग अलग भी लिख सकते हो। तो अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है आयोटा क्या है ये समझ लिया है। अब ये आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक समझना है इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है कॉन्जुगेट समझेंगे क्योंकि मॉडिनस और आर्गुमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं ठीक है ना। तो अभी कॉन्जुगेट और फिर कॉन्जुगेट के ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे चलो वो देखते हैं। तो देखो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है निकालना बहुत ही आसान है बस आपको काम क्या करना है ए प्लस आई बी है अगर इस फॉर्म में तो पहले होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर और सीधा लिखो जेड कॉन्जुगेट को ए माइनस आई बी ठीक है ना a प्लस आई बी से सीधा क्या लिखो a माइनस आई बी।
अगर ये 3 प्लस 4 आई है तो z कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 माइनस 4 आई, अगर 3 माइनस 5 आई है तो z कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 प्लस 5 आई, बस उसका साइन चेंज कर दो, कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी वाले का साइन चेंज कर दो। अभी देखो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो ना z और z कॉन्जुगेट को, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि मॉड्यूलस का स्क्वायर होता है, मॉड्यूलस आगे पढ़ेंगे। अगर z और z कॉन्जुगेट को अगर आप ऐड करते हो तो आपको मिलता है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट 2a, और अगर सबट्रैक्ट करते हो तो आपको मिलता है ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इसके बाद देखो ये भी सारा कॉन्जुगेट का ही प्रॉपर्टी है, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वैलिड है, हम इससे देखेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इससे हम इसको वेरीफाई करवाएंगे, ठीक है ना, a के करके वेरीफाई करवाएंगे। तो z1 जो है वो दिया हुआ है, गिवन है अपना z1 क्या गिवन है माइनस थ्री प्लस फोर आई, और जेड टू जो है वो गिवन है कितना है कितना कितना 12 माइनस फाइव आई। तो चलो क्या करते हैं, पहला काम इन दोनों को कर देते हैं ऐड, तो जेड वन प्लस जेड टू कितना है ये माइनस थ्री और 12 कितना हो गया ये 9, 4 और माइनस फाइव आई हो गया माइनस आई, ठीक है। इमेजिनरी को इमेजिनरी से, रियल को रियल से ऐड करना है। अब इसके बाद आता है इसका कॉन्जुगेट, तो करते हैं ना कॉन्जुगेट 9 प्लस आई हो गया, सिंपली चलो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, जेड वन माइनस जेड टू कर देते हैं, जेड वन माइनस जेड टू क्या हो जाएगा माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व, जेड वन माइनस जेड टू मतलब माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व कितना हो गया माइनस 15, रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब रियल पार्ट को एड भी कर दो 4 प्लस 5 आई, ठीक है 4 आई प्लस में 5 आई कितना हो गया ये 9 आई, इसका भी कॉन्जुगेट निकाल लो, ठीक है टोटल का कॉन्जुगेट, सॉरी टोटल पे कॉन्जुगेट निकाल लो, तो क्या हो गया माइनस 15 माइनस 9। अब इनका आपस में कॉन्जुगेट निकालो, तो ये कितना जेड वन कॉन्जुगेट माइनस थ्री माइनस फोर आई, फिर जेड टू कॉन्जुगेट 12 प्लस 5 आई, ठीक है ना, और इन दोनों को अब ऐड करो, जेड वन कॉन्जुगेट प्लस जेड टू कॉन्जुगेट कितना हुआ रियल वाला रियल से ऐड होगा 9, इमेजिनरी वाले इमेजिनरी से ऐड हुआ 5 माइनस 4 आई। देखो तो ये और ये इक्वल है, तो लिख सकते हो जेड वन प्लस जेड टू कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू का कॉन्जुगेट का प्लस जेड वन प्लस जेड वन कॉन्जुगेट प्लस जेड टू कॉन्जुगेट, ये हो गया जेड वन प्लस जेड टू का कॉन्जुगेट, और यही जेड वन कॉन्जुगेट माइनस जेड टू कॉन्जुगेट निकाल लो, तो माइनस थ्री और माइनस 12 माइनस 15 हो गया, माइनस फोर आई माइनस फाइव आई माइनस 9 आई आ गया, ये हो गया। तो जेड वन माइनस जेड टू का कॉन्जुगेट जो है वो जेड वन कॉन्जुगेट माइनस जेड टू कॉन्जुगेट हो गया। अब जो है पूछा गया कि जेड वन कॉन्जुगेट पे कॉन्जुगेट, तो जेड वन कॉन्जुगेट पे कॉन्जुगेट करना है अपने को, तो क्या करते हैं पहले तो जेड वन कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, इसको ये प्रूफ करना है जेड वन कॉन्जुगेट, जेड वन क्या है माइनस थ्री प्लस फोर आई, तो माइनस थ्री माइनस फोर आई हो गया कॉन्जुगेट, और फिर से डालते हो उस पर कॉन्जुगेट, तो माइनस थ्री प्लस फोर आई। देखो ना भाई कॉन्जुगेट करने के लिए करना है क्या, आपको साइन को चेंज करना है इमेजिनरी का, एक बार कॉन्जुगेट किया साइन चेंज हुआ, दोबारा कॉन्जुगेट करते तो दोबारा साइन चेंज हो जाएगा, और दो बार साइन चेंज किया तो वापस से वही आ रहा है, यही है इसका। अब प्रोडक्ट में भी सेम है, अलग होता है, देखते हैं प्रोडक्ट, तो जेड वन इंटू जेड टू, जेड वन इंटू जेड टू मतलब माइनस थ्री प्लस फोर आई इंटू ट्वेल्व माइनस फाइव आई, चलो करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 36 हो गया, ये मल्टीप्लाई हुआ तो 48 आई हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 15 आई हो गया, अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 20 आई स्क्वायर हो गया। अब भाई यहाँ पे माइनस 36 और आई स्क्वायर तो माइनस 1 है, आई स्क्वायर है माइनस 1, तो 20 माइनस 20 को प्लस 20 बनाएगा वो, और यहां हो गया ये 63i, यानी माइनस 16 प्लस 63i, और जेड वन जेड टू का कॉन्जुगेट डालते माइनस 16 माइनस 63i। अब एक काम करो, अब क्या करो कि जेड वन कॉन्जुगेट और जेड टू कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करो, क्या करो जेड वन कॉन्जुगेट इंटू जेड टू कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस 3 माइनस 4i के संग 12 प्लस 5i को मल्टीप्लाई करो, तो आता है माइनस 36 इधर से, यहां माइनस 48i
यहाँ माइनस 15 आई और ये प्लस में, प्लस क्या मतलब माइनस में 20 आई स्क्वायर है वो बाद में प्लस ही हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर नेगेटिव है, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा माइनस 36 प्लस में 20 माइनस 63 आई, यानी हो गया माइनस 16 माइनस 63 आई जो कि यहाँ है। तो देखो भाई ये भी तो प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ कॉन्जुगेट के लिए यहाँ पे भी कॉन्जुगेट होगा, जेड वन बाई जेड टू कॉन्जुगेट। तो पहला बात है कि जेड वन बाई जेड टू निकाल लो, जेड वन बाई जेड टू निकाल लो। जेड वन क्या है, जेड वन है मेरा माइनस थ्री माइनस फोर आई, माइनस थ्री जेड वन, जेड वन जेड वन है माइनस थ्री प्लस फोर आई, माइनस थ्री प्लस फोर आई और ये है ट्वेल्व माइनस फाइव आई, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट निकालना है और कॉन्जुगेट निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, a प्लस ib यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं इसको, 12 प्लस 5i, 12 प्लस 5i, ठीक है। यहां नीचे तो आराम से 12 स्क्वायर प्लस में 5 स्क्वायर और ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हो गया माइनस 36, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 48 आई, माइनस में 15 आई और यहां पे 4 और मतलब 5 और 4 20, 20 आई स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया, देखो यहां पे 12 और यहां पे 5 का है ना स्क्वायर, तो 144 प्लस 25 या माइनस 36 और यहां पर है ये हो जाएगा माइनस 20, माइनस 20 हो जाएगा ना, 20 आई स्क्वायर माइनस 20, तो माइनस 56 और ये 48 माइनस 15 यानी कि 33 हो गया, 33 आई। अब इसका अलग करके लिखेंगे, माइनस 56 डिवाइडेड बाय 169, इसको ऐड करो 169 प्लस 33 बाय 169 आई, ये हो गया जेड वन बाय जेड टू। अब कॉन्जुगेट लिखना है ना, आराम से क्या करना है, इमेजिनरी का साइन चेंज कर देना, ठीक है। इमेजिनरी का क्या करना है, साइन चेंज कर देना, तो साइन चेंज कर दो, माइनस 56 बाई 169 या माइनस 33 बाई 169 आई, हो गया जेड वन जेड टू का कॉन्जुगेट, मतलब जेड वन बाई जेड टू पूरे पे कॉन्जुगेट। अभी क्या करना है, जेड वन पे भी कॉन्जुगेट देना है और जेड टू पे भी कॉन्जुगेट देना है और फिर डिवाइड करना है, ठीक है। मतलब जेड वन पे कॉन्जुगेट क्या था, माइनस थ्री माइनस फोर आई और ये था 12 प्लस 5 आई, इसका कॉन्जुगेट। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसी फॉर्म में ले जाते हैं, 12 माइनस 5 आई, 12 माइनस 5 आई, नीचे तो भाई वही कहानी है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऊपर लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 36 है, इसको इधर मल्टीप्लाई किया माइनस 48 आई, यहां मल्टीप्लाई किया प्लस 15 आई और यहां आपस में मल्टीप्लाई किया तो प्लस 20 आई स्क्वायर। अब 20 आई स्क्वायर यानी माइनस 20 हो जाएगा ना, यहां माइनस 36 यानी माइनस 56 और माइनस में 33 आई और यहां है डिनोमिनेटर में 169 बिकॉज 144 प्लस 25 इज 169। अब यहां पे अलग कर लेते हैं इसको, माइनस 56 माइनस 56 बाई 169 माइनस 33 बाई 169 आई। देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी किया है, किसी को दिक्कत हो तो थोड़ा स्लो करके देख लेना, ठीक। अभी देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये सारा प्रूफ हो गया, अभी देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा दिमाग नहीं लगाते हो तो दिन भर वो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 निकालते रहते हो, बस ये सोचो कि जो गिवन है उससे कुछ बन सकता है क्या ऐसा फॉर्म का। तो यहाँ पावर 4 है तो सबसे पहले स्क्वायर करने यहाँ सोचेंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक साइड में रख लेते हैं, तो x x प्लस 1 ऐसा लिखते हैं, x प्लस 1 और i रूट 2, चलो इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं इसको स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर किया तो x प्लस 1 का स्क्वायर i root 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, i का स्क्वायर माइनस 1 और root 2 का स्क्वायर तो 2, तो हो गया माइनस 2, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
is equal to minus 2, इसको क्या लिखेंगे, x square plus 2x, और ये minus 2 इधर आके plus 3 equal to 0, ये भी एक form हो सकता है, या फिर ऐसा लिख देते हैं, x square plus 2x equal to minus 3, अब क्या करते हैं, इसको करते हैं हम square, इसको फिर से करते हैं square, क्योंकि power 4 चाहिए अपने को, तो इसको फिर से square किया, x square plus 2x, इसका square, ये हो गया minus 3 का square, तो ये हो गया देखो x to the power 4, x square का square क्या होता है, x to the power 4, a plus b के whole square में simply break कर रहे हैं, ठीक है, तो a square plus b square, ठीक है, या ऐसा लिख लो ना 2ab, a square plus 2ab plus b square is equal to 9, या x to the power 4 plus 4x cube plus 4x square is equal to 9, अब जो given expression है ना, इसको ऐसे ही break करो, given expression क्या है, x to the power 4 plus 4 ही है क्या, 4x cube plus 6x square plus 6x square plus 4x plus 9 plus 4x plus 9 एकदम से यही है, तो चलो इसको थोड़ा सा ऐसा सजा लेते हैं, x to the power 4 plus 4x cube plus 4x square, यहां पे लिख देते हैं हम 4x square लिखा है, but है तो मेरे पास 6x square, तो लिखता हूं इसको 2x square plus 4x plus 9, अब इस वाले वैल्यू को तो आप आराम से लिख दो 9, और यहां पर एक 2 कॉमन ले लो 2, तो x square plus 2x है, plus में है 9, यहां देखो x square plus 2x का वैल्यू minus 3 आ रखा है, तो यहां पे 9 plus 2 into minus 3 plus में है 9, तो यहां पे 9 सब equal to देते जाना, equal to ये अदर बोर्ड्स लेवल पे आप कर रहे हो, तो यहां पे equal to, ये तो यहां से ये एक्सप्रेशन शुरू हुआ था, minus 6 plus 9 is equal to 18 minus 6 यानी कि 12, हो गया ये एक्सप्रेशन का वैल्यू, अब देखो ऐसा क्वेश्चन सेम टाइप इरेशनल नंबर के लिए क्लास 19 में देखा हुआ है आपने, जहां पर वो √3 minus √2 दिया हुआ रहता था, ठीक है, तो ऐसा जैसा हम वहां पे जो किस किए थे ना वही करेंगे, और यहां ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में ना कंजुगेट है, y जो है x का कंजुगेट है, x जो है वो y का कंजुगेट है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर चाहिए, हम x प्लस y निकालेंगे, क्या निकालेंगे, x प्लस y, तो भाई x प्लस y क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट कैंसिल ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट, यानी कि हो गया 4, इसके बाद क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहोगे तो इसको दोनों को लिखना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखना, i 3 का स्क्वायर माइनस के साथ माइनस i स्क्वायर को प्लस कर दो, हो गया डन, ठीक है ना, समझ में आ रहा बात, तो अब ये xy is equal to 4 और 9 कितना हो गया ये 13, x plus y का वैल्यू है 4, xy का वैल्यू है 13, चलो अब क्या करना है, xy का वैल्यू मिल गया, x plus y का वैल्यू मिल गया, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर x square plus y square plus xy, और इधर क्या है, x square minus xy plus y square, अब देखो क्या करना है, x square plus y square को क्या लिखना है, x plus y square minus 2xy plus xy, सेम काम यहां भी करना है, x plus y का whole square minus 2xy, इन दोनों के लिए, और minus xy, यानी हो गया x plus y का square minus xy, और यहां हो गया x plus y का square minus 3xy, अब बस value put कर दो जो मिला था, तो x plus y का जो square है वो कितना हो जाएगा, x plus y का square हो गया 16 minus xy, xy आया था 13, और denominator में वही है बस 3 के साथ है, तो 16 minus 3 into 13, तो 16 minus 13 तो हो गया ऊपर में, यहां पे numerator में हो गया 3, और यहां हो गया 16 minus 39, 16 minus 39 का मतलब यहां पे तो 3, और यहां पे minus 23, so minus 3 by 23 आ गया इसका value, ठीक है, अब देखो ये फाइनल क्वेश्चन है जो आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है,
यहाँ पे एच प्लस आई वाई, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना, इक्वेट करना रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, ये करने के बाद x और y का वैल्यू कमेंट में बताना है। तो हम नेक्स्ट नंबर के दूसरे पार्ट का वीडियो कितना जल्दी आए ये आप पे डिपेंड करता है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में बताओ कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा समझ में आया, किसी पार्ट में दिक्कत है तो वो भी बताओ, ठीक है ना। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जल्द से जल्द जितना इस पे रिस्पॉन्स आएगा उतना ही जल्दी मॉड्यूलस और आर्गुमेंट के ऊपर वीडियो आएगा, फिर आएगा ओमेगा जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उस पे भी आएगा एक वीडियो अलग से, ठीक है ना। तो एक पार्ट आएगा जो कि आर्गुमेंट और मॉड्यूलस का होगा, और एक और पार्ट आएगा जो कि आपका पूरा पूरा वो ओमेगा मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उससे जेई में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।